क्या रुजू किया जाएगा आप किसी दूसरे फोरम से, जैसे नवाज शरीफ साहब को इजाजत मिली उसी तरह से अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी इजाजत लेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये तफसील अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने मरियम बीबी को हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेज ने बेल आउट किया जी। और जब मियां नवाशी साहब को तिबी बुनियादों पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर और डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के बाद जब बाहर अदालत आलिया ने इजाज़त दी जाने की, तो उसमें जो हमें प्रबंध किया गया था कि हमने जो रिपोर्ट्स होंगी यहाँ भी अदालतों में जमा करवानी है और जो यूके में इनका एम्बेसडर है उसको भी, वो भी उसको रिविजिट कर सकेगा। सो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह कर रहे हैं। मरियम बीबी के लिए हमने पासपोर्ट के लिए कोर्ट में अप्लाई किया, कोर्ट ने विद इन 7 डेज डायरेक्शन दी फेडरल गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने मंडे को थी पेशी 23 को, लेकिन उस पर उन्होंने लै दे किया और टाइम गुजर गया और दोबारा टाइम लिया। अब 26 को है दोबारा कोर्ट में, तो आज आपके सामने अभी आशिक फरदोस अवान साहबा, जो कभी काफली की स्पोक पर्सन थी, कभी पीपल पार्टी की स्पोक पर्सन थी, और आज हमें दर्द दे रही हैं अवामी हमायत का, जो खुद अपने हलके से इलेक्शन हार के आई हुई हैं और यहाँ पर कैबिनेट की मेंबर हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, काबीना ने यही कुछ करना था। इमरान खान साहब का जो बयानिया है कि मुल्क के अंदर बेरोज़गारी, महंगाई, लाकानूनीत को बढ़ाना है और अपोजिशन को दीवार के साथ लगाना है, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत से अपोजिशन को ये जेलों बंद कर दें, लेकिन दबने वाले नहीं और ना ही झुकने वाले हैं। एहसन इकबाल आपके सामने हैं, शाहद खाकान अब्बासी आपके सामने हैं, हमजा शबाशी आपके सामने हैं, राणा सनाउल्ला खान 6 माह गिरफ्तार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब हम 26 को ऑनरेबल जो डबल बेंच है हाई कोर्ट में जाकर हम ये सबमिशन देंगे और डेट है, तो हम जो अदालत आलिया हुक्म देगी हम उसके पाबंद हैं। और मैं समझता हूँ कि हकूमत से हम ना रिलीफ लेना चाहते थे, हकूमत को हमने एप्लीकेशन नहीं दी थी, ये कोर्ट ने के रेफर किया था। अच्छा। जो हमने सबमिशन वहाँ पर दी थी, सो जो जवाब आ गया, अब कोर्ट में गवर्नमेंट का वकील भी पेश होगा और हम भी पेश होंगे और इंशाल्लाह इस पर जो भी कोर्ट की डायरेक्शन और डिसीजन होगा हम उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।